नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ स्वाति। दिल्ली कैंट के पुरानी नागल गांव की महिला वहां के नशेड़ी गंजेड़ियों से परेशान है। कई बार पुलिस और प्रशासन से इंसाफ की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट है। अब तो मैं वो गाली देखे मैं सुनाऊं? कौन है वो? इसी नहीं नहीं मैं सुनाऊं आपको गाली। पूरी रात ये यहीं पे शोर शराबा, हम कब तक सहेंगे? हमारा घर फ्रंट पे है, हम कब तक सहेंगे ये सब चीजें? दिल्ली कैंट का पुरानी नागल गांव, जहां की महिलाएं वहां रहने वाले नशेड़ियों से परेशान है। मंजर ऐसा है कि महिलाएं व लड़कियां घर से बाहर निकलने से डरती हैं, क्योंकि चौक पर बैठे गुंडे क्या कमेंट कर दें, कौन सी गाली दे दें, कोई नहीं जानता। पुलिस व प्रशासन में कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। लिहाजा महिलाओं ने इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट का सहारा लिया। पुरानी नगली गांव में दिल्ली कैंट की इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। इनकी ये शिकायत है कि यहां की लोकेलिटी के जो लड़के हैं, जो लोग हैं, वो नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, धूम्रपान यहाँ चलता है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को, लड़कियों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। पुलिस में इन्होंने कई बार शिकायतें की है, RWA के प्रधान से शिकायत की है। पिछले 2 साल से ये लगातार चले आ रहा है। अब इन्होंने एक प्रोटेस्ट भी किया है, छोटा सा, आप देखेंगे इनके हाथ में जो तख्तियाँ हैं उस पर लिखा है स्टॉप गाली अब्यूज़ गलौज बंद करें, और तमाम तरह की तख्तियां लेकर यहां खड़ी हुई है और इंसाफ की मांग कर रही हैं। पूरे दिन चौक पर बैठकर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और गाली गलौज करते हैं। औरतों को आना जाना बाहर बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से हमें पूरा टाइम घर पे ही रहना पड़ता है। सिर्फ बीट वाले ऑफिसर आते हैं, राउंड मार के जाते हैं। बीट वाले ऑफिसर आने तक तो ये लोग सब इधर उधर चले जाते हैं। जैसे ही वो 2 मिनट आगे गए, वापस भीड़ भेंग हो जाती है। मेन चौक है, लोगों के आने जाने का रास्ता है। यहाँ तक कि औरतें बाजार से आ रही हैं तब भी रास्ता नहीं छोड़ते। हमारे पास इसकी क्लिप है, फोटो है, सब खींच के रखी है। हमारे तो दिन रात को हम 3 बजे उठे, 2 बजे उठे, यहाँ सराफी खड़े रहते हैं, मेरे दरवाजे के आगे खड़े रहते हैं, रामलाल के आगे किए हैं। हमने 22 तारीख को उन्हें भी कंप्लेंट दी थी, उन्होंने हमें बोला वापस SHO थाने को कंप्लेंट दो, वहाँ डाली है। रिजल्ट कुछ नहीं आया अभी तक। कब से चल रहा है ये? इसे दो तीन साल हो गए। 2019 की भी मेरे पास कंप्लेंट है जो दी हुई थी। पार्षद विमल चौधरी ने इलाके में बेंचेस तो लगाए हुए हैं, लेकिन वो पब्लिक बेंच नशेड़ियों का अड्डा बने हुए हैं। पूरी रात लड़के बेंच पर बैठकर नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं और असभ्य टिप्पणियां करते हैं, ऐसा यहां की महिलाओं का आरोप है। हमने इलाके के प्रधान N भरत से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते पहले तक उन्हें पता ही नहीं था कि महिलाएं परेशान क्यों हैं। हेलो हेलो, मेरी बात N भरत से हो रही है? जी हां सर, मैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ से बात कर रहा हूं। आप प्रधान है RWA के पुरानी नांगल गांव से? जी हाँ। कल कुछ महिलाओं से शिकायत आई थी सर, वो नशेड़ियों गंजेड़ियों से परेशान है इलाके में, नशा वशा करते हैं लड़के और जो है गांजा वांजा पीते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, तो उस पर कुछ एक्शन लिया है आपने? शिकायत आई है? मैंने बीट वालों को बता दिया था, बीट वाले कह लेंगे, मैंने उनको नंबर दे दिया, मैंने उनको बोल दिया लेडीज को जब भी कोई एक्टिविटी हो तो मेरे पास सीधा फोन कर दे। नहीं तो 2 साल से परेशानी कंटिन्यूसली आ रही है, तो 2 साल में क्या किया आपने सर? हमारे को इन्फॉर्म अभी किया इन्होंने, जस्ट 10 दिन पहले ही। आपको 10 दिन पहले बताया महिलाओं ने? 10 दिन भी नहीं, शायद हफ्ता ही हुआ है। अच्छा, हफ्ते पहले ही बताया उन्होंने आपको कि ऐसा हो रहा है? हफ्ता पहले बताया, फिर बीच वाला को मैंने बुला के उनको कहा भाई ये बात है, हमारे पास ऑपरेशन आई है उनकी, ऐसे बातें बोले, जब हम गए थे वहाँ 2-3 बार जा लिए वो भाग जाते हैं। बाकी मैंने उनको कहा, लेडीज को, लेडीज भी आई थी मेरे पास। अच्छा, उसको मैंने बोल दिया था भाई कोई ऐसी ऐसी बात है, बोले कि मैं, मेरी मुलाकात हो गई है, बाकी फिर भी आप देख लेना। बोले भाई मैंने उसको कता भी दिया, उसका नंबर दे दिया मैंने। तो मैंने जो कोई परेशानी हो तो मेरे पास दोबारा आ जाओ आप, तो दोबारा तो आएगी मेरे पास। नहीं तो समाधान तो नहीं मिला ना, कल उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। उनकी समस्या हल हो गई होगी, परेशानी जब तो नहीं आई दोबारा। बाकी वो मैंने बता दिया था कोई परेशानी दोबारा हो फोन ले लेना, फोन मेरा नंबर आपके पास है। बोला जी ठीक है मैं फोन कर दूंगा, यदि बीट वाले काम ना करे तो मेरे पास बता दियो। लॉकडाउन के बाद 2-3 दिन के बाद SHO के बाद मीटिंग करेंगे हम। अब जरा सोचिए, क्षेत्र की महिलाओं ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया और इलाके के प्रधान को ये तक नहीं पता कि महिलाएं परेशान क्यों हैं। ये मीडिया रिपोर्ट दिखाने से पहले ये भी पता चला है कि नशेड़ियों के अड्डे पर 2 लोगों का झगड़ा भी हुआ और एक शख्स ने दूसरे पर बोतल तोड़कर जानलेवा हमला भी कर दिया।
जिस व्यक्ति पर हमला हुआ वो अभी अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। महिलाओं की मांग है कि इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और उन्हें सुरक्षा दी जाए ताकि वो सुख चैन से जी सकें। जो शिकायतें हैं सब ऐसी हैं जो सब हम लोग कर रहे हैं, यहाँ इतनी इतनी गंदी गालियाँ देते हैं, हैं? अब तो मैं वो गाली देके मैं सुनाऊं? नहीं नहीं मैं सुनाऊं आपको गाली। सराफियाँ कितने सराफियों के नाम ले, एक आदमी हो तो उसका नाम ले। हम तो यही चाहते हैं इंसाफ हो और हमारा रास्ता साफ हो और रात भर तुम्हें पर दो कांस्टेबल लगाए जाएं या उनकी ड्यूटी अल्टरनेट डेज में लगाई जाए। आपको पता है मैं यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाती हूँ, आप बताओ मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी जब यहीं पर बाहर गाली गलौज और दारू भी जाएगी। हमने कभी अपने लड़कियों को बाहर नहीं आने देते क्योंकि ये बुरी नजर से देखते हैं और नशा कारोबार के पड़े रहेंगे, यहीं गाली देंगे, रात को एक एक बजे तंग करते हैं, दो दो तीन तीन बजे जब भी देखो। हम उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट देखने के बाद प्रशासन हरकत में आएगा और इलाके में सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार।